नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नए नए टिप्स जिंदगी के लेकर। हम क्या करते हैं अपने जिंदगी में, किन चीज़ों पर हम चलते हैं, कौन से चेहरे हमने अपने चेहरे पर लगाए हैं, एक चेहरे के ऊपर एक दूसरा कुछ चेहरा नज़र आता है। तेरे ही गम से सराबोर कभी ये नज़र आता है, कभी सच से निपटता हुआ नज़र आता है तो कभी झूठ से भरा हुआ ये चेहरा नज़र आता है। सच से भरा हुआ चेहरा कभी कभार हमें दिखता है, झूठ से भरा हुआ चेहरा हमें रोज़ लोगों को दिखाना पड़ता है, रोज़ उस झूठ को लेकर चलना पड़ता है। झूठ के चेहरे कितने सरेआम होते हैं, आइए देखिए लोग इसको कैसे बदनाम करते हैं। रोज़ झूठ में पलते हैं, रोज़ झूठ में बड़े होते हैं, फिर अपने ही बच्चों को शिक्षा देते हैं कि झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है। जो हम अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल ना कर पाए वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी में कैसे एप्लीकेबल कर पाएंगे। झूठ के कितने चेहरे हैं जो सरेआम हुआ करते हैं, पता हमें भी है, पता सामने वाले को भी है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिल को पता है हम झूठ कितना बोल रहे हैं। तो झूठ जब जब हम बोलते हैं वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बड़ी सारी चीज़ों को उजागर कर जाता है, हमारे करैक्टर को उजागर कर जाता है। छोटे छोटे एग्जांपल देके मैं आज आपको समझाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, और ये आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे, कुछ ऐसा करैक्टर जुड़ा होगा जो इस तरह के काम करते हैं। हम किसी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं, वो कहता जी बस पहुंचने वाला हूँ, तो वो ये झूठ जो है वो बड़ा आम है, रोज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में। बोलते हैं अभी घर से निकले भी नहीं होंगे, बस पहुँचने वाला हूँ, और वो बस पहुँचने वाले में एक मिनट से लेकर 30 मिनट का टाइम बड़े आराम से हो जाता है कि बस पहुंचने वाला हूँ। इसमें हम किसी को समय नहीं दे रहे, समय दिया पहुंचे नहीं टाइम पे, हम क्या करते हैं, कोई हमारी राह तक रहा है, उसकी भावनाओं को हम अहमियत नहीं दे रहे, तो कैसे करेंगे, कैसे ज़िंदगी को चलाएंगे अगर हम इतना झूठ बोलेंगे। तो अगर आपको किसी काम में देरी होनी है तो आप उसे पहले से बता दें कि मैं इससे पहले नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे इतना वक्त कम से। तो अपनी इस आदत से बचिए कि बस पहुँचने वाला हूँ, इससे दूसरे लोगों को बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। कई बार लोगों की आदत होती है कि वो सामने वाले को मजाक बनाते हैं, और कई बार कुछ दिल को टटोलने वाली बातें बस सामने वाला ऐसे कह देता है, जब सामने वाला उसको टोकता है तो उसको बोला जाता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो अपनी इस आदत को सुधारिए। कई बार जब हम कोई बात जो दिल को चुभने वाली है सामने वाले को कह देते हैं और उसको हर्ट हो जाती है, और फिर हम बाद में कहते हैं मजाक कर रहे हैं, तो कभी ना कभी रिश्ते जो हैं वो टूटने की कगार पे आ जाते हैं। रिश्तों को संभालना बड़ा ज़रूरी है, उनके ऊपर वर्किंग करनी बड़ी ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर झूठ मत बोलिए। किसी का फ़ोन आ रहा है, जब हमारी किसी से बात करने का मन नहीं होता, हम फ़ोन उठाते नहीं हैं, बात को काटना होता है, हम कह देते हैं कि भैया फ़ोन में बैटरी नहीं है, हमने फ़ोन रिचार्ज करना है, चार्जिंग नहीं है। तो अगर हम बिज़ी हैं तो हम क्यों ना सामने वाले को ये बोलें कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे जब वक्त मिलेगा मैं बात करूंगी। बजाय इसके कि हम बार बार उसका फ़ोन काटें, उसका फ़ोन सुने नहीं, उससे अच्छा है कि हम फ़ोन उठाकर एक बार बोल दें कि अभी व्यस्त हैं, बात नहीं कर पाएंगे। वो शायद आपके रिश्तों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुधार देगा। हम ये छोटी छोटी चीज़ों पर रोज़ क्यों झूठ बोल रहे हैं। कई बार हम लोग घर से निकलते हैं, निकले ही नहीं, और हमारा बहाना क्या होता है, कहीं और चले गए, किसी और दोस्त के पास मिले। और बच्चे ये झूठ आम बोलते हैं, हमारे बड़े भी कई बार ये झूठ बोलते हैं, भैया रोड पे ट्रैफिक बहुत था। कितनी दिन कितने रोज ट्रैफिक था, क्या रोज़ ऐसा ट्रैफिक होता है? और अगर आप रोज़ इस तरह के कोई नए बहाने बनाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी इससे ख़राब होगी, क्योंकि हमें रोज़ झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। तो अपनी इस आदत को बदलिए, रोज़ ट्रैफिक जाम नहीं होगा, हमें टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा घर पहुँचने में, तो ये बहाना आप मत चलाइए। कई बार हम फ़ोन हमारे पास आता है और हम कह देते हैं आवाज़ नहीं आ रही, मतलब
हमें आवाज आ रही होती है पर हम जानबूझकर कह देते हैं आवाज आ रही है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से कईयों से बात करना पसंद नहीं, पर हमें उनका फोन उठाना भी जरूरी होता है। हम उनको बोल देते हैं कि भैया नेटवर्क नहीं आ रहा, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा, रेंज नहीं आ रही। तो हमें बजाय इसके कि बार बार हम ये बोलें कि नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही, बजाय इसके आप बार 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 बहाने लगाएं, उस व्यक्ति को क्लियर कर दें कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो झूठ के जो चेहरे हैं उनसे हमें बचना होगा। ये छोटे 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 जिंदगी के झूठ हैं जो हम आम जिंदगी में सब लोग बोलते हैं, पर इस झूठ से हम कैसे बचें ये हमारे ऊपर है। हमारी कॉन्शियस जानती है कि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में कई बार अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं तो आपके जो हैं रिश्ते वो अच्छे तरीके से सुधर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, इवन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भैया ये जो है ठीक है, अगर ये बात नहीं करना चाहता तो ये हमें क्लियर बोल देता है, पर मेरा फोन ना उठाना, और फोन ना उठाना वो सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट है। मैं पहुंचने वाला हूं और उसके बाद आप पौने घंटे बाद पहुंच रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम किसी का फोन आ रहा है तो उठा नहीं रहे हैं, और कुछ गलत बात बोल दी, कुछ हर्टिंग बोल दी तो हम मजाक कर रहे थे। और कई लोग कहते हैं कि भैया हम लोग जो है व्यक्ति का चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब झूठ बोलते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। इसलिए कोशिश करिए झूठ ना बोलें, कम से कम बोलें, क्योंकि बिना झूठ बोले आज कलयुग है नहीं गुजारा चलता, पर ऐसा झूठ ना बोले जो सामने वाले को समझ में आ रहा है। अगर आप स्मार्ट हैं तो सामने वाले को भी बेवकूफ ना समझें। कई बार हम यही काम करते हैं कि हम सामने वाले को बेवकूफ समझ लेते हैं तो हमारे रिश्तों में भी दरारें आती हैं। तो झूठ के चेहरे कितने आम हैं, सरेआम हम इनसे बदनाम हुआ करते हैं, और जिंदगी में फिर कुछ खास लोगों के लिए ही हम आम हुआ करते हैं, फिर दिल को तकलीफ होती है हम उनके लिए क्यों आम हो गए जिनके लिए हम कभी खास हुआ करते थे। तो गलती हमारी है, अपने आप को सुधारिए, झूठ से बचिए, लोगों की ज़िंदगी में खुशियां बिखेरिए, खुश रहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, यूट्यूब, फेसबुक, आप मुझे सब पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वीडियोज़ को अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स आपने पढ़ने हैं तो आप डॉक्टर रेनू अरोड़ा.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।